जोरदार तालियों से आइए स्वागत करें आदरणीय शिक्षा निदेशक महोदय का, जोरदार तालियां। आज के इस कार्यक्रम में जैसा मैंने कहा, जो जितनी अच्छी तालियां बजाएगा पता चलेगा वो उतना ही पौष्टिक खाना खाता है। तो एक बार पोषण से भरी तालियां जोरदार स्वागत में लगातार बजें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सभी से अनुरोध, आप सब अपना स्थान ग्रहण करें। आज 3 मई 2023, आज 123वां दिन है 2023 में, और इसके बाद इस वर्ष में पोषण से भरे 242 दिन हमारे बच्चों के लिए आएंगे। आज का दिन विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस होने के साथ साथ शिक्षा निदेशालय का विशेष पोषण दिवस के रूप में जाना जाएगा। तो एक बार जोरदार तालियों से आइए स्वागत करें हम सबका। और अब मेरा अनुरोध हमारे आदरणीय शिक्षा निदेशक महोदय से दीप प्रज्वलन के। और अब आइए सुने स्वागत गान। SOSC एंड्रयूजगंज के ये बच्चे प्रस्तुत कर रहे हैं स्वागत गीत। एक बार जोरदार तालियों से पहले हमारी अतिथि श्रृंखला का आप अभिनंदन करें, और उसके बाद आइए सुनते हैं ये स्वागत गीत। Yeah.
एक बार जोरदार तालीन बच्चों के इन स्वागत से भरे भावों के लिए। और कहीं ना कहीं इन बच्चों ने यही कहा कि आपका स्वागत करने हम सब मिलकर आए हैं, चेहरे पर मुस्कान और हाथों में जीवंत पौधे लाए हैं, जीवंत पौधे लाए हैं, जीवंत पौधे लाए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों से जो प्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ हैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं कि माननीय शिक्षा निदेशक महोदय को हम सबकी ओर से इस नवांकुर को, इस जीवंत पौधे को गिफ्ट करें, उपहार स्वरूप जोरदार तालियों से आप सब शामिल रहें। तालियों में तालियों का पोषण कम दिख रहा है, जोरदार तालियां, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में हम हमारे साथ आदरणीय श्री देवेंद्र कुमार जी हैं, फाउंडर एंड सीईओ लाडली। हम इस जीवन पौधे के माध्यम से इनका अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। इसी क्रम में हम अपने जॉइंट डायरेक्टर सर का इस जीवंत पौधे के माध्यम से स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियों से आइए सहभागी बने इस स्वागत के। हमारे साथ डायरेक्टर एससीआरटी, हमारी एडिशनल डायरेक्टर स्कूल ब्रांच मैडम रीटा शर्मा जी हैं। जोरदार तालियों से आइए उनका स्वागत करें और इस जीवंत पौधे से हम मैडम का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत आज के इस कार्यक्रम में कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे डीडीई आईईबी आदरणीय कैलाश सर हैं, एक बार जोरदार तालियों से आइए उनका भी स्वागत करें और इस नवांकुर के माध्यम से हम सर का भी अभिनंदन और स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब के सचमुच हमारे साथ इस कार्यक्रम में आने से इस कार्यक्रम का मान बढ़ रहा है। एक बार सभी लोग अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं क्योंकि आप सब भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। जी, कुपोषण हर जगह है, जहां आहार कम है वहां तन में और जहां संस्कार कम है वहां मन में। किसी ने कहा है कि कहीं शहर की जगमग रोशनी, कहीं गांवों की हरियाली है, खाने को तो है सब कुछ पर फिर भी कुपोषित जनसंख्या आधी है। कहीं गंदगी, कहीं रोग, कहीं फैली सामाजिक लाचारी है हरियाली खेतों में पर फिर भी कुपोषित जनसंख्या आधी है। टीचर इंचार्ज पोषण, स्पेशल एजुकेशन टीचर एचओएस सर, आप सब को यहाँ हम बुलाए हैं, आपसे ही पोषण अभियान की अब साझेदारी है। आओ मिलकर करें कुपोषण दूर, पोषण दें उन्हें जो कुपोषित जनसंख्या आधी है। तो आप सबकी एक महती भूमिका है और हम जोरदार तालियों से इस महती भूमिका को आइए स्वीकार करें। एक बार जोरदार तालियों से हम इस भूमिका को स्वीकार कर रहे हैं। और इस अवसर पर मेरा अनुरोध स्वागत संबोधन के लिए आदरणीय जॉइंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन श्री रामचंद्र सिंघारे सर से। एक बार जोरदार तालियों से आप अभिनंदन करें और मेरा अनुरोध आदरणीय सर से संबोधन के लिए। आप सभी को नमस्कार। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय हिमांशु गुप्ता जी, शिक्षा निदेशालय, शिक्षा निदेशक, एससीआरटी के डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर स्कूल रीता जी, लाडली फाउंडेशन के सीईओ देवेंद्र गुप्ता जी, डीडीआईबी कैलाश जी, यहाँ उपस्थित डिप्टी डायरेक्टर स्कूल, डिप्टी डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट्स एंड जोन्स, आईईबी ब्रांच के मेरे साथी, जो एचओएस हेड ऑफ द स्कूल्स यहाँ पे आए हैं, उनके साथ नोडल ऑफिसर्स, स्पेशल एजुकेशन टीचर्स और बाकी अन्य जो भी यहाँ उपस्थित है, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। संजय ने अभी कहा कि कुपोषण हर जगह है, ये हमें भी एक्चुअली बहुत लेट रियलाइज़ हुआ कि हमारे यहाँ भी कुपोषण है और कम नहीं है, वो बिल्कुल 4 लाख बच्चों में है। तो हमारे लिए एकदम आई ओपनिंग जिसे कहते हैं वो था कि 18 लाख बच्चों में से 4 लाख बच्चे हमारे कुपोषण की तरफ जा रहे हैं। तो आज का ये जो प्रोग्राम है, मैं कहूँगा कि एक नई पहल है डायरेक्टरेट और इंक्लूसिव एजुकेशन की तरफ से, इसको एक नई पहल की तरफ देखा जा रहा है। पहले भी हम हेल्थ की तरफ बात करते थे, स्वास्थ्य की बात करते थे, अभी भी कर रहे हैं। डीवर्मिंग का हो गया कि साल में 2 बार डीवर्मिंग की गोली देनी है,
और कुछ इंटरवेंशंस करने हैं, कुछ अवेयरनेस देना है, यहाँ तक सीमित था जो स्वास्थ्य के लिए हम सोचते थे, क्योंकि हमारा काम मेन शिक्षा देना था, ना कि स्वास्थ्य की तरफ देखना था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि स्पेशली हमारे डायरेक्टर साहब ने ऑब्जर्व किया कि हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूलों के बच्चों से बहुत कमज़ोर है। फिर एक हम लोगों ने ये सोचा कि इसका सर्वे किया जाए, और सर्वे में बहुत ही मतलब आई ओपनिंग, जैसे मैंने पहले भी कहा कि 18 लाख में से 4 लाख बच्चों में 4 लाख बच्चों का BMI इंडेक्स कम है, जो होना चाहिए उससे कम है। तो बहुत ही डेंजर सिचुएशन थी, तो हम लोगों ने उसमें कुछ इंटरवेंशंस किए। पिछले कुछ दिनों से आपको पता होगा कि सर्कुलर्स दिए गए, आपके साथ मीटिंग की, वर्चुअल मीटिंग्स हो गई, आपके पास टीम भेजी गई थी, तो कुछ इंटरवेंशंस हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किए गए, जिसमें स्नैक्स ब्रेक हो गया, या पेरेंटिंग काउंसिल हो गई, या रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ हाइट एंड वेट्स, इस तरह के कुछ इंटरवेंशंस हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किए गए। उस इफर्ट्स का अभी रिजल्ट आना बाकी है। मुझे नहीं लगता कि एक महीने में, एक दो महीने में कोई रिजल्ट आएगा। कॉन्सेंट्रेटेड इफर्ट्स चाहिए, और बहुत महीनों तक चाहिए, तब ये रिजल्ट्स कुछ आएंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने आपको आज बुलाया है यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए। आज लाडली फाउंडेशन के साथी हमारे साथ है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस पहल में हमारे साथ जुड़ गए हैं। और इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि UN एजेंसी, जैसे UN वुमन हो, यूनिसेफ हो, WHO हो, वो भी हमारे साथ है। तो इन सारे कॉन्सेंट्रेटेड इफेक्ट्स के साथ हम चाहते हैं कि कुपोषण के ऊपर मात किया जाए। और आज मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जितने भी लोग यहाँ आए हैं, तो इस प्रोग्राम की तरफ आप ऐसे देखिए कि यहाँ से कुछ लेके जाना है आपको, आपके स्कूलों में जितने बच्चे हैं, चाहे 10, 15, 20, हर स्कूलों में बच्चे पाए गए जो कुपोषित है, जिनका BMI इंडेक्स कम है, तो उनके ऊपर कैसे काम किया जा सकता है, उनके पेरेंट्स के कैसे इन्वॉल्व किया जा सकता है, ये आप लोगों को सब देखना है। पिछले कुछ दिनों में हम इस पर काम जब कर रहे थे डायरेक्टरेट और IB इंक्लूसिव एजुकेशन ब्रांच की तरफ से, तो मुझे पता लगा कि इसमें बहुत सारे अभी चैलेंजेस हैं, इतना ईजी नहीं है इसको करना। एक तो पहला चैलेंज हमारे पास रहा कि आप सब लोगों को इन्वॉल्व करना, तो उसको इन्वॉल्व करने में हमें बहुत इफर्ट्स करने पड़े। आपके पास टीम को भेजना पड़ा कि नहीं, आपने क्यों इंट्रोड्यूस नहीं किया, मिनी स्नैक्स ब्रेक्स हो गया, या शेड्यूल हो गया, पेरेंटिंग काउंसिल हो गया। तो अब इतने इफर्ट्स के बाद आप सब लोग हमारे साथ जुड़ गए हो, अब इसके बाद पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना है। अब बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास जुड़ गए, लेकिन अभी भी कुछ पेरेंट्स हैं जो इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम आपको विनती करते हैं कि उन पेरेंट्स तक भी आप पहुँच जाइए, इसलिए आज आपको बुलाया गया कि कैसे उनके पास पहुँचना है। और तीसरी बात है कि ऐसा नहीं कि पेरेंट्स जुड़ गए तो रेगुलरली कर रहे हैं। कुछ पेरेंट्स ऐसे कि डेली कुछ इश्यूज़ हो गए, इकोनॉमिकल इश्यूज़ हो गए, या कुछ इश्यूज़ हो गए, जो स्नैक्स भेजते हैं वो डेली नहीं भेजते हमारे पास, तो उसको भी रेगुलर करना है। तो सारे बातें आज के इस प्रोग्राम में कही जाएगी। लाडली फाउंडेशन की तरफ से प्रेजेंटेशन होगा, हमारे डिप्टी डायरेक्टर आई भी इसमें प्रेजेंटेशन करेंगे। तो मैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ, धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां जोश से भरी हुई, क्योंकि हम पोषण की बात कर रहे हैं, तो बार बार आपकी तालियों में वो देखना चाहिए। कुपोषण, कुपोषण सिर्फ और सिर्फ अगर आप ये माने गरीबों से जुड़ा हुआ है तो ये भी सही नहीं है, और कुपोषण अमीरों में ना हो ऐसा भी नहीं है। कुपोषण के विषय में आप बेहतर तौर पर चीज़ें जान पाएं, उसके लिए आपको बहुत ही सावधानी से यहाँ बताई जाने वाली सभी बातों को ध्यान से सुनना है। ध्यान दीजिए, कुपोषण के लिए बहुत बड़े प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जैसा बताया गया, हमारे विद्यालयों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और आज शिक्षकों के यहाँ होने का यही तात्पर्य है कि हमें अपने बच्चों को पूर्ण रूप में स्वस्थ बनाना है। तो एक बार सभी लोग इस नारे को मेरे साथ लगाएंगे, वही बच्चे सफल हो पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं बोलूंगा वही बच्चे सफल हो पाएंगे, आप लोग बोलेंगे जो पौष्टिक आहार खाएंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं बोलूंगा वही बच्चे सफल हो पाएंगे, और आप लोग बोलेंगे जो पौष्टिक आहार खाएंगे। तैयार हैं, सबने सुन लिया? चलिए, वही बच्चे सफल हो पाएंगे। आपकी आवाज में पोषण कम लगा, एक बार फिर करते हैं, वही बच्चे सफल हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्हीं बातों को समझने के लिए कि अल्टीमेटली ये कार्यक्रम क्या है,
इंट्रोडक्शन माल न्यूट्रिशन का आपके साथ करने के लिए और इसके लिए क्या क्या नवाचार और किस किस तरह के प्रयास शिक्षा निदेशालय कर रहा है उन सब को बताने के लिए आ रहे हैं श्री कैलाश चंद, DDE IEB। तो मेरा सर से अनुरोध, आए और हम सबको इस अवसर पर संबोधित करें। आज के इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि आदरणीय डायरेक्टर एजुकेशन श्री हिमांशु गुप्ता जी, जॉइंट डायरेक्टर IEB श्री सिंगारे साहब, डायरेक्टर SCERT मैडम रीटा शर्मा जी, देवेंद्र गुप्ता जी CEO लाडली फाउंडेशन, आज मेरे सभी साथी डिस्ट्रिक्ट DDs, DD जोन्स, सभी मेरे विद्वान HOS, SCTs, नोडल इंचार्ज और प्यारे बच्चों, ये जो पहल है जो आज शुरू की जा रही है एक अनोखी पहल है, अनूठी पहल है और इसके लिए जो मैंने देखा है कि डायरेक्टर साहब बहुत ही कह सकते हैं कि उनके अंदर एक ऐसा भाव है, एक ऐसा जज्बा है कि हमारे जो बच्चे हैं डायरेक्टेड में वो कोई भी बच्चा कुपोषित ना रहे, हेल्दी रहे। और मैं समझता हूँ कि न्यूट्रिशंस का जो रोल है बच्चे की हेल्थ के लिए, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, बहुत ज़रूरी है। जब तक बच्चे के शरीर में न्यूट्रिशंस नहीं होंगे वो फिजिकली हेल्दी नहीं हो सकता, और फिजिकली हेल्दी नहीं होगा तो वो मानसिक रूप से भी हेल्दी नहीं हो सकता। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चों के अंदर जो BMI इंडेक्स चेक करने के बाद 18 लाख बच्चों में से लगभग 4,08,033 बच्चे ऐसे फाइंड आउट किए गए हैं जिनको ज़रूरत है काउंसलिंग की, जिनको ज़रूरत है प्रॉपर न्यूट्रिशंस की, जिनको ज़रूरत है पेरेंटल काउंसलिंग की, वो आज उसका ये आगाज़ किया जा रहा है। और इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि जनरली हमने देखा है कि बच्चे कई बार घर से ब्रेकफास्ट करके भी नहीं आते हैं, कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं। असेंबली में कई बार ये देखा गया है कि बच्चा कई बार फेंट हो जाता है, गिर जाता है, और बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस इस तरह के होते हैं जो बच्चे के सीधे सीधे न्यूट्रिशंस से जुड़े होते हैं। और आज आप देख रहे हैं कि बच्चों में एक अलग ट्रेंड चल गया है फास्ट फूड खाने का, उसको बच्चे को गाइड करना, बच्चे की काउंसलिंग करना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है, हम सभी शिक्षक साथियों की भी जिम्मेदारी है। तो मैं समझता हूँ कि हम आज यहाँ से प्रण लेके जाएं कि हमारा कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो शारीरिक रूप से स्वस्थ ना हो, मानसिक रूप से स्वस्थ ना हो, सब हेल्दी हो। इस संदर्भ में एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए मैं हमारी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेटर दिव्या मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस संदर्भ में पूरी PPT प्रस्तुत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे सर एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजाएं इस बहुत ही सर के सारगर्भित उल्लेख के लिए। सोशल इंटर्नशिप प्रोग्राम माल न्यूट्रिशन का लगभग 700 विद्यालयों में चला, 3500 लगभग बच्चों ने इसमें भाग लिया, और एक जोरदार बात जो ताली बजाने की है, 80% गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों ने भाग लिया। तो जोरदार ताली इस सोशल इंटर्नशिप प्रोग्राम में हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे शामिल रहे। और अब इस सारी कहानी को जो हमने पायलट स्कूल्स में पायलट करके देखी है उसे हमारे सामने स्तुति जी बता रही हैं। तो ओवर टू स्तुति मैडम। थैंक यू सो मच संजय सर एंड टू आर DDIB सर। ऑन बिहाफ ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन ब्रांच, हेलो सभी को नमस्कार। ऑन द बिहाफ ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन ब्रांच एंड विद द परमिशन ऑफ आवर वर्दी डायरेक्टर एजुकेशन सर एंड अदर डिग्निटरीज प्रेजेंट हियर, आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू टेक यू ऑल
through this journey of how this initiation of malnutrition, how this milestone of eradicating and overcoming malnutrition in the Delhi government schools started. एक छोटा सा ब्रीफ ऑलरेडी हमारी जेडी सर ने, शिंगारे सर ने आप सबको दिया है कि ये पहल शुरुआत हुई एक ऑब्जर्वेशन के साथ कि क्यों हमारे बच्चे देखने में छोटे दिखते हैं या क्यों ऐसा होता है कि ड्यूरिंग द मॉर्निंग असेंबलीज बहुत सारे बच्चे बेहोश हो जाते हैं, क्लास में फोकस नहीं कर पाते, अटेंशन इश्यूज हैं, कंसंट्रेशन इश्यूज हैं. सो इट स्टार्टेड विद दीज मेयर ऑब्जर्वेशंस और आज हम यहाँ एक मेगा इवेंट के बीच खड़े हैं दैट वाई दिस कैंपेन इज सो इम्पॉर्टेंट एंड हाउ वी कैन गेट अहेड विद इट. So I'll be taking you all through this presentation. As we are all aware that why a healthy body and a healthy mind is required, we all know that nutrition is directly proportional to the academic and overall development and growth of our students studying in the schools of DOE. So we are all aware that nutrition plays vital role in physical and cognitive growth, and poor nutrition compromises the health potential to benefit from education of school-aged children. School health and hygiene amounts to positive learning outcome, reinforce positive behavior amongst other students. So, अगर हम पोषण की बात करते हैं तो इसका सीधा सीधा जो बेनिफिट है वो बच्चों के केवल शारीरिक केवल जो उनका शारीरिक विकास है सिर्फ उससे ही नहीं है, बल्कि उन बच्चों की जो अधिगम की जो प्रक्रिया होती है, जो लर्निंग प्रोसेस है बच्चों की, उस पर भी एक अच्छे न्यूट्रिशन का पॉजिटिव इफेक्ट आता है. सो मैनिफेस्टेशन क्या है मैलन्यूट्रिशन की, क्या ऐसे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैलन्यूट्रिशन के जो हमने बींग टीचर्स अपने स्कूलों में या बींग HOS अपने स्कूलों में ऑब्जर्व किए. सो इंक्रीज्ड रेट ऑफ फटीग इन स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द स्कूल असेंबली, जैसे कि मैंने बताया कि स्कूल असेंबली के दौरान बच्चों का बेहोश हो जाना या बच्चों का गिर जाना या उनका वीकनेस फील करना, दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन. Students having feeling of being ill all the time, बच्चों में low energy का आभास होना, बच्चों का productivity उनके caliber के अनुसार उनका output ना निकलना, उनकी productivity का ना निकलना, that is another characteristic. Students growth underweight, weak physical appearances of the student, ये एक बहुत common characteristics है. बच्चों की जो chronological age है उनका उस age के अनुसार ना दिखना, हाइट में छोटा दिखना या उनका वेट कम होना अपनी एज के अनुसार, ये कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी कि बच्चों में पाई गई. सो हाउ दिस प्रोजेक्ट एक्चुअली इनिशिएटेड, वी गिव द क्रेडिट टू दिस स्कूल विच हैज बीन द पायनियर इन टेकिंग ओवर दिस जर्नी ऑफ ओवरकमिंग मैलन्यूट्रिशन, विच इज RPVV सूरजमल विहार. सूरजमल विहार के प्रिंसिपल अलॉन्ग विद देयर डेडिकेटेड टीम ऑफ टीचर्स, दे टुक दिस इनिशिएटिव कि क्यों ना हम सब मिलकर इस मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को सबसे पहले असेस करें और उसको ओवरकम करने की कोशिश करें. तो ये जर्नी कैसे शुरू हुई, लाइक यू कैन ऑलरेडी सी ऑन द स्लाइड दैट द एम ऑफ दिस पायलट स्टडी वॉज टू क्लियरली असेस द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द स्टूडेंट्स इन द स्कूल. सभी बच्चों का हाइट, वेट और BMI को मेजर किया गया और उसके बाद वीकली प्लानर सेट किया गया, मिनी स्नैक ब्रेक को इंट्रोड्यूस किया गया, पेरेंटल काउंसलिंग की गई. सो दिस जर्नी एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम दिस स्पेसिफिक स्कूल जिसने ये प्रण लिया कि हम बच्चों की लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने के लिए बच्चों के न्यूट्रिशनल स्टेटस को असेस करेंगे और जो भी कमी बच्चों में पाई जाएगी उनके फिजिकल ग्रोथ को लेके या उनके एकेडमिक या उनके कॉग्निटिव ग्रोथ को लेके, उसको खाने के पोषण के थ्रू उसको बेहतर बनाया जाएगा या उसको ओवरकम किया जाएगा. एंड रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्ट्रैटेजीज वॉज वेरी वेरी सैटिस्फाइंग एंड इट्स देन दैट the Directorate of Education decided that this pilot project, why not to be implemented across all the schools of DOE, क्योंकि ये एक common problem है जो सभी schools में exist करती है बच्चों में.
So these were the strategies that have been implemented so far in the schools of DOE. आप सभी इन strategy से already familiar हैं because इससे संबंधित बहुत सारे circulars और orders हम time to time निकालते रहे हैं. So as I've already mentioned that this was based on the pilot project which was conducted by RPVV Surajmal Vihar. Measurement of height and weight of all the students. This is something that all the HOS and teachers have done. आप सभी ने अपने बच्चों का height और weight measure करके और उनको अपने MIS पे feed किया. This was the first milestone that we had achieved. Subsequent to that, we did hand holding. Directorate of Education ने hand holding की. World Health Organization के साथ and as a result of which they shared the software which is called Anthro Plus और इस software पे सभी बच्चों के data को हमने analyze किया which gave us the score of BFZ score which I am not going to get into detail but ये BFZ score ने actually indicate किया कि कौन से बच्चे vulnerable state में हो सकते हैं या फिर red zone के अंतर्गत आ सकते हैं. This was the software that I was talking about. I am not going to get into the technical details of that, but just to brief that this software was developed by WHO in the year 2007, and it helps us to assess the BFZ score of students aged between 5 to 19 years. ये कुछ color codes हैं उसमें, जिसमें हमने जो focus किया, that is on red zone. तो यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि जो जिन बच्चों का बी एफ जेड स्कोर रेड जोन में आ रहा है दे आर वल्नरेबल और दे आर सस्पेक्टेड टू हैव मैल न्यूट्रिशन. सो जो हमारा टारगेट ग्रुप था यहाँ पे दिस वॉज द स्टूडेंट्स फॉलिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ द रेड जोन. दिस इज द फिगर दैट वी वर टॉकिंग अबाउट कि आप सबके कोऑपरेशन से हमने कुल मिला के 18,12,102 बच्चों के हाइट एंड वेट को मेजर किया. MIS के थ्रू आप सब ने इन बच्चों के डेटा को एंटर किया, आउट ऑफ विच 4,08,033 स्टूडेंट्स वर फॉलिंग अंडर द रेड जोन. तो हम ये मान के चलते हैं कि ये जो करीबन 4,00,000 बच्चे हैं दे आर सस्पेक्टेड टू हैव मैल न्यूट्रिशन. So these were the implementations, the interventions that were further implemented to overcome, in an attempt to overcome malnutrition amongst our students. The first was the parental counseling session. I'm sure aap sabhi ke schoolon mein aap sab ne ye effort kiya hai that parental counseling sessions were organized where the parents were emphasized ki kyun bachchon ko poshan ki zarurat hai aur kis prakar hum low cost न्यूट्रिटिव डाइट के साथ डाइट के सपोर्ट से इन बच्चों में मैल न्यूट्रिशन को ओवरकम या इरेडिकेट कर सकते हैं. दी अदर स्ट्रैटेजी वॉज मिनी स्नैक ब्रेक. आई एम श्योर आप सभी से फेमिलियर हैं कि लंच टाइम से 2.5 घंटे पहले ये मिनी स्नैक ब्रेक को इंट्रोड्यूस किया गया और जिसके अंतर्गत हमने वीकली प्लानर बनाया और बच्चों को कहा कि वो अपने घर से इस वीकली प्लानर के अनुसार कोई भी एक लो कॉस्ट या लोकली मेड डिश या उनका जो फेवरेट फूड आइटम है वो ला सकते हैं. एंड द ऑब्जेक्टिव वॉज टू इंट्रोड्यूस दिस मिनी स्नैक ब्रेक वॉज to develop positive eating habit as well as to compensate the nutritive deficiencies that were present in our students. Monitoring record of height and weight of students with a low BMI. Now this is very very important. हमने एक बार अगर एक बार या दो बार बच्चों का height, weight, BMI अगर assess किया है then this is not going to be sufficient at all. हमें continuously एक regular interval पे to see the progress of the students, to see the growth of the students, we have to make sure that we keep a close check on the height, weight and BMI score of the students. Introducing alternative dishes and recipes with a high nutritive value such as millets. Now this is something which is under process and we are going to introduce this approach very soon, that we are planning to introduce millets in during our midday meal schemes or jo hum mini snack break karte hain. This is going to be an experiment which is completely research based ki jo millets hain unki nutritive values bahut zyada high hoti hain bachchon ki nutritional deficiencies ko puri karne ke liye.
Monitoring and planned interventions by officers and officials of DOE by visiting schools, like Shingare sir already said, के visiting teams ने ensure किया कि सभी schools में parental counseling is going on with full swing, mini snack break को time to time उसको implement किया जा रहा है. So ये सारी चीज़ें हमने की एक objective के साथ कि हम बच्चों को कुपोषण से उभार पाएँ. Signing of MOU with the Laadli Foundation to explore avenues supporting sustainable measures to overcome nutrition. So we have amongst us founder and CEO of the Laadli Foundation, जिनके साथ हमने MOU sign किया है, जिनके साथ हमने hand holding की है to overcome this malnutrition with the collaborative efforts. And sir will be talking about more on social internship program in the subsequent presentation. So the volunteers of the Laadli Foundation shall now be working in the unison with the nominated nodal in charges in each school, जिसके बारे में देवेंद्र सर हमें subsequent presentation में और detail में बताएंगे. Collaborative efforts with the Laadli Foundation to provide opportunity for social internship to students of class 11. आज भी हमारे बीच में 11वीं कक्षा के बहुत सारे छात्र मौजूद हैं, जिनमें से कुछ यहाँ पे present करेंगे अपने इस छोटे से initiative के बारे में कि किस प्रकार उन्होंने अपने अपने स्कूलों में टीचर्स के साथ हैंड होल्डिंग किया और इस प्रोजेक्ट को, इस पहल को आगे ले जाने की कोशिश की. एंड मेगा कैंप विच इज ड्यू ऑन आर 6 मई 2023, ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा. ये एक मेगा कैंप है जिसमें हम पेरेंट्स को अवेयर करेंगे, पेरेंट्स को काउंसिल करेंगे कि क्यों जरूरत है बच्चों को न्यूट्रिशन की, उनके लर्निंग को बेहतर बनाने के. These are some of the objectives of our mega camp. Already आप बहुत इन सब objectives से aware हैं कि parents में awareness लेके आना, उनको low cost, high nutritive diets के बारे में बताना, what is the connection between a good nutritional value and their effective learning processes. ये कुछ हमारे इस mega जो camp आने वाला है 6 तारीख को, ये कुछ उसके common objectives या aims हैं. And these are the outcomes. Like we are expecting strengthening of the nutritive requirement of students, facilitating effective, positive physical and cognitive growth, strengthening their attention span, their productivity and their outcome in the class and the school situation. These strategies will also help to reduce absenteeism in the school, which is very very important. Hamara jo bachcho ka absenteeism, truancy बहुत ज़्यादा होती है उनकी पुअर हेल्थ की वजह से या इल हेल्थ की वजह से. सो दिस इनिशिएटिव में हेल्प अस टू रिड्यूस दिस एब्सेंटिज्म एज वेल एंड फेलिसिटेटिंग द पॉजिटिव लर्निंग आउटकम्स एंड री इन्फोर्सिंग द पॉजिटिव बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम एंड द स्कूल एज पर से. ये हमारा वे अहेड है, लाइक आई सेड बिफोर. सो रिव्यूइंग मेन्यू एंड रेसिपीज ऑफ द मिड डे मील स्कीम, इंक्लूजन ऑफ मिलेट्स इन द डाइट ऑफ द स्टूडेंट्स, विल बी चेकिंग द हीमोग्लोबिन टेस्ट विच इज़ टू बी कंडक्टेड बाय द डिपार्टमेंट इन कोलैबोरेशन विद द हॉस्पिटल्स टू फैसिलिटेट प्रॉम्प्ट मेडिकल एंड एजुकेशनल इंटरवेंशंस. एंड नाउ इंटर्न्स फ्रॉम लाडली फाउंडेशन शैल बी joining hands with us to facilitate planned interventions and monitoring of the same. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद. आपने बहुत सारी बातें इसके विषय में हमें बताई. निश्चित तौर पर कुपोषण से बचने के लिए हमें भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए. और इन सब बातों के बाद यही बात निकल के आती है कि अपने बच्चे को खूब करें प्यार, अपने बच्चे को खूब करें प्यार, मगर दें घर का बना पौष्टिक आहार, मगर दें घर का बना पौष्टिक आहार. और इन्हीं सब बातों को और बेहतर तरीके से समझाने के लिए अब आ रहे हैं आदरणीय श्री देवेंद्र जी, फाउंडर एंड सीईओ लाडली फाउंडेशन. वो हम सबके साथ एक वीडियो साझा करेंगे इंट्रोडक्शन का, और उसके बाद सर इंटरैक्टिव सेशन आप सबके साथ करेंगे. तो एक बार जोरदार तालियों से आइए स्वागत करें देवेंद्र सर का, और देखते हैं ये इंट्रोडक्टरी वीडियो. वीडियो जो आपको इस कार्यक्रम का पूरा परिचय देगा. द
तत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है वहीं देवताओं का वास होता है का उद्घोष करने वाले इस भारत देश में बेटियों और महिलाओं के हालातों की यदि बात करें तो उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा, समानता एवं स्वावलंबन सभी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। 130 करोड़ से अधिक की आबादी वाले इस विशाल देश में क्या हम महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण बना सकते हैं? ये आज भी एक बड़ा सवाल है। और जब हम बात करते हैं भारत के अभावग्रस्त ग्रामीण क्षेत्रों और बस्तियों में रहने वाली बेटियों एवं महिलाओं की, तो गरीबी और अशिक्षा के कारण उनके जो गंभीर हालात हैं, वो हम सब जानते हैं। आज अनगिनत सामाजिक संस्थाएं और कार्यकर्ता पीड़ित बेटियों और महिलाओं के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। वे सभी बधाई के पात्र हैं, जिनकी वजह से बड़े स्तर पर बेटियों को स्वावलंबी बनाने के लिए कार्य हो रहा है। लेकिन एक प्रश्न खड़ा होता है कि इस देश में सामाजिक उत्पीड़न व असमानता से संघर्ष कर रही उन बेटियों व महिलाओं के क्या हाल हैं, जो सरकार और संस्थाओं की योजनाओं से आज भी वंचित हैं और विभिन्न प्रकार के अपराधों से संघर्ष करते हुए अपना जीवन जी रही हैं। ऐसी ही बेटियों के कल्याण के उद्देश्य से सन 2012 में लाडली फाउंडेशन ट्रस्ट की स्थापना हुई और लाडली फाउंडेशन ने उन गरीब बेटियों के हालात व उनके जन्म से लेकर उनके बड़े होने तक के संघर्ष की कहानी को समाज के सामने रखा, जो उस वक्त पैदा हुई जब किसी भी परिवार में बेटी पैदा होना एक अभिशाप माना जाता था, जहां बेटी पैदा होते ही ये सवाल दिमाग में आता था कि उसकी शादी कैसे होगी। ऐसी बेटियों के हालातों पर चिंतन शुरू किया, जो कम पढ़े लिखी रह जाने के कारण हजारों प्रकार की सामाजिक बुराइयों का शिकार बन चुकी हैं। लाडली फाउंडेशन यूनाइटेड नेशंस में विशेष दर्जा प्राप्त एवं भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित गैर लाभकारी सामाजिक संस्था है। आज भारत के 16 राज्यों में लाडली फाउंडेशन की सक्रिय राज्य इकाइयों के माध्यम से हजारों सामाजिक कार्यकर्ता दूर दराज क्षेत्रों की मलिन बस्तियों व गांवों में बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य व पुनर्वास सहित उनके संपूर्ण सशक्तिकरण के लिए जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। एज ऑफ टू माई पेरेंट्स लेफ्ट मी अलोन विद माई 3 डेज इन्फेंट सिस्टर। माई सिस्टर, यंगर सिस्टर वॉज माई लाडली एंड उसको पालते हुए, उसको बड़ा करते हुए जितनी भी जिम्मेदारियों को मैंने निभाया और उसके बाद उसको सेटल करने के बाद सोचा कि ऐसी गर्ल्स के लिए काम करना है जिनको एजुकेशन नहीं मिलती है, हेल्थ नहीं मिलती है, वल्नरेबिलिटी का वो सामना करती हैं, जिनको कोई प्यार नहीं करता, हम उनको प्यार करेंगे। जिन लड़कियों को उनके परिवार वाले ही पैम्पर नहीं करते, बोझ समझते हैं, हम उनको प्यार करेंगे। तो जब भी आप किसी बच्ची को प्यार से बुलाते हैं तो उसे लाडली कहते हैं। सो दैट इज हाउ दिस लाडली केम। सामूहिक विवाह आयोजन से प्रारंभ हुई लाडली फाउंडेशन आज कई विश्व स्तरीय कार्यक्रमों के माध्यम से लाखों लोगों को महिलाओं के सामाजिक विकास के लिए जागरूक कर चुकी है। साथ ही अपने जमीनी कार्यक्रमों के माध्यम से उनको शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल विकास द्वारा सशक्त बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। लाडली फाउंडेशन के देशव्यापी कार्यक्रम विश्व भर में चर्चित रहे हैं। जैसे वर्ष 2017 में भारत के गृह मंत्री एवं सामाजिक न्याय मंत्री की उपस्थिति में दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर महिला सुरक्षा जागरूकता के लिए देश की सबसे बड़ी मैराथन रन फॉर लाडली हो, या अंतर्राष्ट्रीय संत आचार्य स्वामी अवधेशानंद गिरिजी के सौनिध्य में विश्व भर के 58 शहरों में एक साथ कन्या पूजन के माध्यम से हजारों निर्धन बेटियों को शिक्षित करने के लिए उनका सोशल एडॉप्शन हो, या फिर सामाजिक न्याय मंत्रालय के साथ मिलकर दिव्यांग बेटियों की सुरक्षा एवं उन्हें रोजगार के अवसर देने के लिए शुरू किया गया कार्यक्रम सशक्त दिव्यांग हो। आज लाडली फाउंडेशन द्वारा जमीनी स्तर पर शुरू किए गए कई अनूठे कार्यक्रम जिनमें सहेली, 2017 में हमने सहेली कार्यक्रम की शुरुआत करी। बेसिकली इस कार्यक्रम को स्पेशली हमने डिज़ाइन किया था उन फीमेल्स के लिए जो झुग्गी बस्तियों में रहती हैं, बेसिक इम्यूनिटी से बहुत दूर रहती हैं, उनको गंभीर बीमारियां जो कि ट्रांसफरेबल डिजीज़ होती हैं उनसे बचाने के बारे में जागरूक करना, उनका कंप्लीट मेडिकल एग्जामिनेशन करना, उनको काउंसलिंग करना, मेंस्ट्रुअल
हाइजीन मैनेजमेंट पर उनको काउंसलिंग करना, जो छोटे छोटे बच्चों के साथ घरों में सेक्सुअल अब्यूज़ होता है उस बारे में उनको बताना। सहेली का मतलब है कि माँ और बेटी के बीच में बॉन्डिंग क्रिएट करना। अगर एक माँ अपनी बच्ची का ख्याल रखे और उस बच्ची से एक सहेली का रिश्ता इस्टेब्लिश करे और हर छोटी बात पर उससे डिस्कशन करे, तो कोई भी बड़ी प्रॉब्लम, आने वाली बड़ी प्रॉब्लम छोटे में ही हल की जा सकती। जोश, इसी गंभीर विषय पर संज्ञान लेते हुए लाडली फाउंडेशन ट्रस्ट एवं दिल्ली पुलिस द्वारा युवाओं को खेल, योग, मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण के माध्यम से उनका सामरिक विकास करने के लिए जोश कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कि किस तरह से जो जुवेनाइल्स हैं उनको क्राइम की दुनिया से निकाला जाए, क्राइम से बचाया जाए, उनको नशे के लिए चाहिए होता है। पठनशाला, सशक्त, समाधान इत्यादि को नशे के लिए चाहिए होता है। पठनशाला, सशक्त, समाधान इत्यादि के द्वारा अब तक 15 लाख से अधिक महिलाओं सबसे पहले मैं डायरेक्टर साहब का, डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन का, सभी डीडीज का, एचओएस का और आप सभी टीचर्स का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस पवित्र कार्य में आपने हमें सहयोग के लिए चुना। ये बहुत नोबल काम है जिसके लिए आपने हमें चुना है। और अभी जिस तरीके से लास्ट प्रेजेंटेशन में सर बता रहे थे कि 18 लाख बच्चों में से 8 लाख बच्चों का जो बीजेड स्कोर था, जिसमें लगभग 4 लाख बच्चे मॉडरेट पाए गए और 4 लाख बच्चे सीवियरली रेड जोन में पाए गए, तो मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि आप सभी शिक्षक दिल्ली सरकार के विद्यालयों में सिर्फ शिक्षा नहीं दे रहे हैं, जीवन भी दे रहे हैं। या ये भी कह सकता हूँ कि इन 4 लाख बच्चों की जिंदगी बचा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा काम है। और ये जो कार्यक्रम आज हम लोग यहाँ देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट मेल न्यूट्रिशन, इट इज़ अबाउट सॉल्विंग द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन अ सिंपल मैनर बाय मेकिंग अ लार्जेस्ट नॉलेज शेयरिंग प्रोग्राम। और ये कहना बिल्कुल उचित होगा कि जो भी बड़े काम होते हैं वो ग्रेट माइंड्स और उसके अलावा ग्रेट लीडर्स ही कर सकते हैं। तो इस बात के लिए भी मैं गर्व महसूस करता हूं कि आपके डायरेक्टर साहब, जिनकी इतनी विजनरी अप्रोच है कि उन्होंने इन 4 लाख जिंदगियों के का जीवन बचाने और साथ साथ एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन देने के लिए काम किया है, उसके लिए बधाई के पात्र हैं। सोशल इंटर्नशिप प्रोग्राम बच्चों के साथ साथ जितने भी टीचर्स इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, ये सभी के लिए है और ये बेनिफिशियल भी सभी के लिए है। इस पर मैं जरूर थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मैलन्यूट्रिशन वाले इशू पर ऑलरेडी डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी और मैलन्यूट्रिशन वाला इशू जिस तरीके से गवर्नमेंट ये डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन टैकल कर रहा है, दैट इज़ द बेस्ट वे दैट वट एवर दे आर डूइंग। हम लोगों का कंट्रीब्यूशन उसमें सिर्फ और सिर्फ उसके मॉनिटरिंग इवेल्युएशन को लेकर के था, लेकिन डायरेक्टर साहब के साथ बैठकर चर्चा में ये दिमाग में आया कि हम क्यों ना बच्चों को इसमें एक्टिविटी के रूप में इन्वॉल्व कराएं और एक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सोशल इंटर्नशिप प्रोग्राम लेकर के आएँ, जो कि आज इन बच्चों को एक ऐसे सर्टिफिकेट के साथ इक्विप्ड कर दे जो जीवन भर इनके प्रोफाइल में, इनके बायोडेटा में ऐड हो जाए और हमेशा इनकी कैरियर अपॉर्चुनिटीज में, इनके फ्यूचर इंडिवर्स में काम आए। तो वो विज़न रखते हुए हमने सोशल इंटर्नशिप प्रोग्राम को शुरू किया और ये सोशल इंटर्नशिप प्रोग्राम बहुत डिफरेंट प्रोग्राम है। तो सभी लोग टीचर्स यहाँ पर अधिक संख्या में मौजूद हैं, तो टीचर सोच रहे होंगे कि ये बच्चों के लिए प्रोग्राम है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज आपके माध्यम से जब ये बच्चे इस सोशल इंटर्नशिप को कंप्लीट करके जब बड़े बड़े कॉरपोरेट्स में लगे होंगे तो इनको अपने कोऑर्डिनेटर्स याद आएंगे, क्योंकि जो सर्टिफिकेट इनको इशू होगा वो आप टीचर्स की वजह से होगा, आप कोऑर्डिनेटर्स की वजह से होगा। और साथ ही डायरेक्टर साहब के साथ मिलकर एक और प्रोविजन पे बात हुई है कि जितने टीचर्स
इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व हैं, जो अगले 3-4-5 महीने समर वेकेशन में या जब तक ये प्रोग्राम चलेगा तब तक इन बच्चों के साथ मेंटरिंग कर रहे हैं इनका, उनके लिए भी हम वॉलंटियरिंग सर्टिफिकेट और पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट उन टीचर्स के लिए रखेंगे, और उस सर्टिफिकेट की वैल्यू उनके बच्चों के काम आएगी, क्योंकि आपके जो बच्चे हैं जब वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में या कहीं भी बड़े कॉर्पोरेट्स में जब वो जाएंगे एडमिशन के लिए, तो आज आप जाइए जब काउंसलिंग जब होती है इंटरनेशनल एडमिशन्स के लिए या कोई बड़े कोर्सेज के लिए, तो वहाँ पर पेरेंट्स की सोशल इंक्लाइनेशन को नोट किया जाता है। तो जब पेरेंट्स की सोशल इंक्लाइनेशन की नोटेबिलिटी की बात आएगी, तो आपको मिला हुआ ये सर्टिफिकेट आपके बच्चों के करियर में काम आएगा, दिस वी वॉन्ट टू अश्योर यू। लगभग 3500 बच्चों ने हमें इस कार्यक्रम में रजिस्टर किया सोशल इंटर्नशिप में। अभी भी बहुत सारे स्कूल्स इस प्रोग्राम में रजिस्टर होने से रह गए हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स रह गए हैं, लगभग 600 स्कूल अभी भी रह गए हैं। तो हमारे पास पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, और हम लोगों ने इस प्रोग्राम को ऑटोमेटेड बना दिया है कि अब जो रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं वो हो चुके हैं, लेकिन और जो बच्चे इसके लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या जो स्कूल इसके लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो लाडली फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर जाकर के वहाँ पर असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2 सारे दिए गए हैं। उनको करना कैसे है, उनको सबमिट कैसे करना है, बहुत ईजी वे में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, और खासकर हिंदी पर जोर देते हुए हमने उसको तैयार किया है। कि इन हमारे साथ बड़ा चैलेंज आ रहा था, कुछ प्राइवेट स्कूल्स हमें कह रहे थे कि ये बिल्कुल हिंदी में आपने काम करने के लिए बोला है और हम हिंदी में इसे कैसे करेंगे। तो हमने बोला कि जब आपके बच्चे ग्राउंड पर मार्जिनलाइज सेक्शन में जाएंगे और वो वहाँ पर अंग्रेजी में समझाने की कोशिश करेंगे तो उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अभी से आपके बच्चों की प्रैक्टिस भी हिंदी में हो, और हिंदी का ज्ञान होना कोई बुरी बात नहीं है, अगर हिंदी को हम इस तरीके से भी अगर प्रमोट कर सके तो ये भी हमारा एक सौभाग्य होगा कि हम अपनी मातृभाषा को प्रमोट कर रहे हैं। तो हमने फोकस इस बात पे किया कि ये कार्यक्रम हिंदी में रहे, चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो। इसको मैंडेट हमने किया कि हम इस कार्यक्रम की सारी गतिविधियां हिंदी में रखें, ताकि जमीनी स्तर पर उसको सिर्फ हमें फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, हमने उसको एग्जीक्यूट करना है। और मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है, 209 स्कूल्स ने वर्कशॉप्स की। आप देखिए, मैन न्यूट्रिशन का जो प्रोग्राम टीचर्स लेकर के चले थे, उन टीचर्स का हाथ किसने पकड़ा? बच्चों ने पकड़ा। उन बच्चों ने इंटेंसिव रिसर्च किया मैल न्यूट्रिशन पर। उन बच्चों ने, जो सोशल इंटर्नशिप के बच्चे थे, आप ही के स्कूल्स के बच्चे, उन बच्चों ने डिफरेंट पैरामीटर्स पर बहुत सारी चीजें निकाली, उनको अपने पेरेंट्स से डिस्कस किया। तो फायदा क्या हुआ कि पहले तो जो बच्चा, जिसको मैल न्यूट्रिशन के बारे में टीचर्स बता रहे थे, वो ध्यान दे रहा था नहीं दे रहा था, वो एक फैक्टर था। अब जब उसने खुद पीपीटी बनाई, खुद उस पर रिसर्च की, तो पहले उसे मैल न्यूट्रिशन के बारे में पता चला, फिर वो उस पीपीटी को लेके गया अपने पेरेंट्स के पास, तो उसने अपने पेरेंट्स को भी सेंसिटाइज किया, फिर पेरेंट्स के पॉइंट्स को उसने ऐड ऑन कराया, फिर अपने टीचर्स की गाइडेंस ली, फिर टीचर्स की गाइडेंस लेकर के उसने उस पीपीटी को अपने क्लास फेलोज के साथ शेयर किया। तो वो बच्चा जो खुद, जिसको खुद मैल न्यूट्रिशन के बारे में नहीं पता था, आज वो मैल न्यूट्रिशन का काउंसलर बन चुका है, और एक एक बच्चा 100-100 बच्चों को मैल न्यूट्रिशन के बारे में जागरूक कर रहा है। ये बहुत छोटा सा एफर्ट था, और इस एफर्ट्स को अगर अंजाम दिया है तो वो आप टीचर्स ने दिया है, क्योंकि बिना आपकी गाइडेंस के ये नहीं हो सकता था। तो आई रियली वुड लाइक टू सल्यूट ऑल दी मैल न्यूट्रिशन कोऑर्डिनेटर्स एंड द सोशल इंटर्नशिप कोऑर्डिनेटर टीचर्स, जिन्होंने कई घंटे लगा करके, हमें पता है क्योंकि हम ग्राउंड पर बात कर रहे थे, तो एक एक टीचर्स ने 5-5, 6-6 बच्चों के साथ कई घंटे लगा करके उनकी पीपीटीज को करेक्ट कराया, जिनको नहीं पता था कि ये कितना सीवियर इशू है, उस इशू को इतना सिंपल बनाते हुए खेल खेल में एक ही स्कूल के 500-500 बच्चों को आपने मेल न्यूट्रिशन पर सेंसिटाइज किया, और ये बहुत बड़ा प्रोग्राम निकल करके आया है। हम इसी प्रोग्राम को आगे लेके चलने वाले हैं। इस प्रोग्राम से रिलेटेड आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न हैं, हमने उन प्रश्न को और इसको सिंपल बनाने के लिए ये एक पीपीटी तैयार की है। मैं बहुत क्विक में इसको ख़त्म करूंगा, लेकिन इस पीपीटी से पहले एक बात ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये सोशल इंटर्नशिप प्रोग्राम है, उसी तरीके से कक्षा 8 से लेकर 12वीं क्लास तक के सभी बच्चे, नॉट ओनली 11th के 5,
सभी बच्चों के लिए हमने समर वॉलेंटियरिंग प्रोग्राम डिजाइन किया है जो कि अगेन मेल न्यूट्रिशन पे बेस्ड है, और उसमें सिंपल हमने कुछ काम दिए हैं कि हर बच्चा अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग मेल न्यूट्रिशन पर पढ़ेगा, उस पर पीपीटी बनाएगा, अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करेगा और अपने नियरेस्ट स्लम में जाकर वर्कशॉप करेगा, और जब वो वर्कशॉप करने के बाद उसकी रिपोर्ट बना लेगा पीडीएफ में और उसको जब हमारी वेबसाइट पे सबमिट करेगा तो उसको भी हम सर्टिफिकेट देंगे जो कि एक वॉलेंटियरिंग सर्टिफिकेट होगा और यूएन एक्रेडिटेड सर्टिफिकेट होगा जो जीवन भर उसके काम आएगा। तो ये सोशल इंटर्नशिप की जो पीपीटी है, मैं इसको क्विकली खत्म करूंगा। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको आपके डायरेक्टर साहब ने दी है, शायद आज आप इस बात को नहीं समझ पाए या कैसे ये शुरू हो गया है इस बात को आप सोचते रह जाएं, लेकिन जीवन में ये इतना बड़ा रोल प्ले करने वाला है, खासकर जो लोग बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं या जो लोग इंटरनेशनल एडमिशंस के एस्पायरेंट हैं वो जानते हैं कि वॉलेंटियरिंग सर्टिफिकेट या इंटर्नशिप सर्टिफिकेट की वैल्यू क्या होती है। जब खासकर एक ऑर्गेनाइजेशन जो यूएन एक्रेडिटेड हो और यूनाइटेड नेशंस में स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस जिसको मिला हो, उसके सर्टिफिकेट की वैल्यू आप लोगों के लिए कितना बड़ा रोल प्ले करने वाली है आपके करियर में, वो आपको जब आप उसके बारे में इंक्वायर करेंगे अपने दोस्तों से, अपने पेरेंट्स से, अपने रिश्तेदारों से, तो दे विल टेल यू। स्लाइड्स, दिस इज दी तो इस सर्टिफिकेट से आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा और क्या क्या कमाने को मिलेगा। तो इससे एक तो हर बच्चे को और टीचर्स को दोनों को लीडरशिप स्किल सीखने को मिलेंगी, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप सीखने को मिलेगी, रिसर्च क्या होती है उसकी इंप्लीमेंटेशन क्या होती है वो सीखने को मिलेगी, कम्युनिटी आउटरीच और ग्राउंड रियलिटीज क्या है हमारे देश की वो सीखने को मिलेंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल सीखने को मिलेंगी, एनजीओ मैनेजमेंट क्या होती है, तो जब आप लाडली के साथ काम करेंगे तो वो आपको सीखने को मिलेगा, फील्ड मैनेजमेंट क्या होती है, फील्ड वर्क क्या होता है वो सीखने को मिलेगा, और जब आप दूसरे बच्चों के साथ मिलकर के काम करेंगे तो आपकी नेटवर्किंग भी होगी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ स्कूल में नहीं सिखाई जाती और स्कूल के माध्यम से इस तरीके की कम्युनिटी बेस्ड एक्टिविटी के माध्यम से सिखाई जाती हैं, वो सब आपको सीखने को मिलेगी। और आपको कमाने को क्या मिलेगा, एक ऐसा सर्टिफिकेट जो जीवन भर आपके काम आने वाला है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो नेशनल अवार्ड्स के लिए, इंटरनेशनल अवार्ड्स के लिए आपको नॉमिनेट किया जा सकता है, कई सारे रिवॉर्ड्स, गवर्नमेंट रिकॉग्निशन, जैसे आप देख रहे हैं कि कई सारे बच्चों को, टीचर्स को डीओई ने जो है सिलेक्ट किया है कि हम उनको अवार्ड करेंगे जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फिर जब आप इन फील्ड्स को, इस काम को लेकर के फील्ड में जाएंगे तो और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। इसमें सिंपल वे में हमने इसको रखा है कि जो भी इस प्रोग्राम का पार्ट बनना चाहता है वो सिंपली लाडली फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे जाए, उसे सब्सक्राइब करे, उसको सारे नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो फॉर्म वाला प्रोसेस था सर वो हमने बंद कर दिया है अभी, क्योंकि हम लोगों को डेली उसको स्क्रूटनी करना हो रहा था और वो बहुत बड़ा नंबर हो गया था, तो अभी हमने इसको ऑटोमेटेड कर दिया है और इस चैनल पर आपको इस प्रोग्राम से रिलेटेड वीडियोस बनी हुई मिलेंगी जिनको कि सिंपली बच्चे देख करके इस प्रोग्राम का भाग बन सकते हैं और इसमें बताई हुई एक्टिविटीज को पूरा भी कर सकते हैं और उनको सबमिट भी कर सकते हैं। और हमने इसमें एक फोकस ये किया है कि एक टास्क को बच्चा एक हफ्ते में पूरा करे, ये नहीं कि एक ही दिन में हमें सारे काम करने हैं, नहीं तो सीख नहीं पाएंगे। तो अपना अभी आपके पास समर्स का पूरा टाइम है, आप आराम से पूरा इसमें ध्यान दे करके इसको सीखने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये वर्क असाइनमेंट वन हम लोगों ने दिया था जिसमें कुपोषण से रिलेटेड कुछ लिखने के लिए कहा था, जिस पर हमने एक लेख लिखने के लिए कहा था, फिर उसकी एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कहा था, उस प्रेजेंटेशन को पेरेंट्स के साथ डिस्कस करने के लिए कहा था, फिर उस प्रेजेंटेशन को अपने टीचर्स के साथ गाइडेंस में फाइनल करने के बाद उसकी एक वर्कशॉप बनाने के लिए कहा था। तो एक सिंपल सा टास्क हमने सभी बच्चों को दिया और सर 3500 बच्चों ने यह काम पूरा किया और कुछ बच्चे आज यहां मौजूद हैं जिन्होंने वो प्रेजेंटेशन बनाई है, वो यहां पर लेके आए हैं और इन 3500 बच्चों के माध्यम से लगभग 400,000 बच्चों को मेल न्यूट्रिशन के बारे में नॉलेज क्रिएट हुई। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, कोई भी अवेयरनेस प्रोग्राम इतना बड़ा नहीं है।
और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जिस प्रोग्राम का आप हिस्सा बने हैं, जब कल आप अपने रिज्यूम में लिखेंगे ना कि आप किस प्रोग्राम का पार्ट थे, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्शन रिसर्च प्रोग्राम है। ये सभी टीचर्स भी नोट कर लें जो इस प्रोग्राम का पार्ट बने हैं, क्योंकि आप भी अपने प्रोफाइल में, अपने रिज्यूम में लिख सकते हैं कि दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड एज अ कोऑर्डिनेटर फॉर वर्ल्ड्स बिगेस्ट एक्शन रिसर्च प्रोग्राम। एंड आई रियली वुड लाइक टू थैंक डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन हिमांशु गुप्ता साहब कि उन्होंने इतने बड़े प्रोग्राम का हमें हिस्सा बनाया। थैंक यू सो मच सर। हम लोगों ने बच्चों से ये भी रिक्वेस्ट किया कि आप लिंक्डइन पर और ट्विटर पर अकाउंट बनाइए, तो हम ये भी चाहते हैं कि आप डिजिटली भी इक्विप्ड रहें। आने वाले टाइम में सिर्फ इसलिए नहीं कि ये सोशल मीडिया है, इसलिए भी कि जब आप मेल न्यूट्रिशन के बारे में अपनी प्रेजेंटेशन को डालेंगे तो कम से कम 100 एजेंसीज आपको देखेंगी, जो DOE से भी कोऑर्डिनेट करेंगी, आपसे भी कोऑर्डिनेट करेंगी, और ऐसी बहुत सारी वर्कशॉप्स जो आप कंटेंट बना रहे हैं, आप जो फोटोज बना रहे हैं, या आप जो वर्कशॉप के जो प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, उससे लाखों लोगों को सीखने का मौका मिलेगा। और इस उम्र में इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स पर अभी से आना और अभी से उनको सीख लेना, ये आपके कैरियर अपॉर्चुनिटीज में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। फिर हमने वर्क असाइनमेंट 2 बनाया। वर्क असाइनमेंट 2 में हमने DOE और लाडली के इस कार्यक्रम के बारे में 200 वर्ड्स का लिखने के लिए कहा, क्योंकि अब तक आप इस पर काम कर रहे थे, लेकिन इस काम का आउटकम क्या रहा वो आप लोग अपने शब्दों में बयान कर सकें, वो हमने इसमें कोशिश करी थी, ताकि आपने जो भी सीखा है वो सस्टेनेबल हो जाए, वो रिलायबिलिटी उसकी क्रिएट हो, क्योंकि जब किसी चीज़ की सस्टेनेबिलिटी और रिलायबिलिटी क्रिएट हो जाती है तो उसको रेप्लिकेबल करना आसान हो जाता है। तो इस पर हम लोगों ने फोकस किया, और अगेन हमने इसमें हिंदी पर ध्यान दिया। फिर हमने कहा कि वे बच्चे जो मेल न्यूट्रिशन से पे काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर के कोई भी एक वॉलंटियरिंग एक्टिविटी करें, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना इंटरेस्ट होता है। कोई पेड़ लगाना चाहता है, कोई गरीबों को खाना खिलाना चाहता है, कोई कपड़े बांटना चाहता है, कोई एनिमल्स पे काम करना चाहता है। तो लेट दीज स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ वॉलंटियरिंग। तो वॉलंटियरिंग उनकी आज की जिंदगी में अगर ये फैक्टर क्रिएट हो गया, ये स्किल उनके अंदर इनबिल्ट हो गई, तो ये उनको बहुत आगे लेकर के जाएगी। क्योंकि जब आप समाज के लिए संवेदनशील होते हैं तो आप पारिवारिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से राइज करते ही चले जाते हैं। एंड देर इज अ कोट ऑफ माइन, आई ऑलवेज से कि दैट सोसाइटी इज लाइक अ कैनवास, इट्स यू हु नीड टू पेंट इट ब्यूटीफुली, क्योंकि ये देश बिना आपके आगे नहीं बढ़ने वाला, इसमें आप लोगों की बहुत जरूरत है। रोल ऑफ वॉलंटियरिंग के बारे में हमने लेख लिखने के लिए कहा, उसके बाद हमने कुछ एक्टिविटीज करने के लिए कहा, उस एक्टिविटीज की फोटोज खींचने के लिए कहा, और उसकी एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कहा, उसको सोशल मीडिया पे शेयर करने के लिए कहा कि लेट अदर पीपल गेट टू नो कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपका एक ऑरा जब आपकी सोसाइटी में क्रिएट होगा तो आपकी इनर डेवलपमेंट एनहांस होगी, और वो इनर डेवलपमेंट बहुत सारे फैक्टर्स को आपके सामने लेकर के आएगी जो आज ही से आपके अंदर इनबिल्ट हो जाएंगे। सो बहुत ज़्यादा इसको लंबा ना करते हुए इसको कंक्लूड करेंगे, बट वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक डायरेक्टर साहब फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस नोबल टास्क, एंड वन मोर थिंग, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एक्शन रिसर्च प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर, आपने जो कहा। अब आइए इन बच्चों की जुबानी सुनते हैं, प्रेजेंटेशन हमारे इन सोशल इंटर्न स्टूडेंट्स का। मेरा अनुरोध तेजस्वी केवल रमानी, कनक चौधरी, प्रणीति कुकरेजा, मोहिनी और सागरिका दास से कि आप सब मंच पर आएं और अपना प्रेजेंटेशन आप लोग यहां हम सब के बीच देंगे। तो सभी से एक बार जोरदार तालियां इन सोशल इंटर्न्स के लिए जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को जिया है और जिन्होंने बहुत सारा पहला रास्ता इस कुपोषण की लड़ाई में हम सब की ओर से लड़ा है। तो आइए जानते हैं इन बच्चों से इनका क्या सोच और समझ इस कुपोषण के बारे में बना है। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे इन योद्धाओं को जो यहाँ पोषण के लिए एक बेहतर लड़ाई को अंजाम देने के लिए हम सबके साथ हैं। तो मेरा अनुरोध, प्रोग्राम व्हिच हैज प्रोवाइडेड अस अ मल्टीट्यूड ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड प्लेटफॉर्म्स
to research and delve deeper into societal issues, enabling us to broaden our horizons and become responsible, well-aware citizens. I also take this opportunity to thank my esteemed Madam Principal and Chief Mentor, Mrs. Himal Handu Bhatt, a recipient of CBSE Principals Award 2020, and my mentors, Mrs. Nishi Tyagi, Mrs. Alo Mukherjee, Mrs. Swati Arora, and our parents for their untiring efforts and continuous guidance in all our endeavors. Now, let us have a glimpse of the week one tasks of the social internship program assigned on the topic malnutrition. Good morning, everyone. I am Kanak Chaudhary from N.K. Bagrodia Public School, Sector Podwaka, and I will be introducing you to the topic malnutrition. I'm sure everyone here is already aware of the topic, so I'll just give a brief synopsis. As WHO defines it, malnutrition is an imbalance, deficiency, or excess of energy. Simply put, it's an incorrect intake of nutrition. It can be classified into underweight or overweight categories. Underweight falls under the category of undernutrition, where there are not sufficient there's a lack of sufficient nutrition in the person's body. As for overweight, it's when you are intaking too much energy and not expending enough of it. So it accumulates in your body in the form of fat. Up to 45% of deaths in the children below the age of 5 are observed because of malnutrition. In low to middle income countries, it's such a prevalent issue, and as sad as it is, it's often overlooked. Good morning, everyone. I am Manvi Agarwal from Government Girl Senior Secondary School, Vivek Vyar, Phase 2. Well, first of all, I would say thanks to Lardly Foundation and Directorate of Education for inviting me here on the stage to say a few words about malnutrition. Today, I will share my knowledge about symptoms of malnutrition. Well, you all know about malnutrition. First, the main symptom of malnutrition is undernutrition. Means you did not get proper nutrition. You could be malnourished if you intentionally lose your weight, body weight 5 to 10% within 3 to 6 months. Other symptoms of malnutrition include reduced appetite, feeling tired all the time, feeling weaker, getting ill often, and taking a long time to recover, feeling cold most of the time, low mood or depression. Thank you everyone for listening me so patiently. I hope you like my presentation. Thank you to special thanks to our HOS Samta ma'am and our social internship coordinator Nisha ma'am for inviting me here. Thank you. Good morning, everybody. My name is Sana Khan, and I am here to represent my team, Hamdard Public School. Now, when you heard the word malnutrition, what actually comes in your mind? Let me tell you, it must be that what actually causes malnutrition? Am I right? Let me tell you, there are many causes which causes malnutrition. Now, let us discuss about the first one, which is low intake of food. People are not able to get the right amount of food, or they are not able to absorb the nutrients. Then the second reason we have is social and mobility problem. The people are not able to move out to get or make the food. We have one more reason too, which is digestive disorder. The people, if the body is not able to face the problems, and if it is facing that it's not able to, if it's not able to face the issues and it's facing the problem in absorbing the nutrients, then even a healthy balanced diet won't help. Now, let us discuss about a healthy balanced diet for its prevention.
A healthy balanced diet is recommended for prevention of malnutrition. There are four major food groups. Now let us discuss about the first one, which consists of bread, rice, potatoes and other starchy foods. This forms the largest portion of our diet and provides us with calories, carbohydrates and many more with sugars. Apart from it, now let us discuss about the second group, which consists of milk and dairy products. These are vital source of milk and dairy products. These are vital source of fat and simple sugar like lactose and minerals like calcium. After that, we have third group, which consists of fruits and vegetables. These are vital source of minerals, vitamins, fiber and roughage for better digestive health. At the end, we have fourth group, which consists of meat, poultry, fish, eggs, beans and many more. Now, as we were assured to make and prepare a slogan on malnutrition, and today I am here with it. When we take control of our nutrition, certainly we don't get the victim of malnutrition. Thank you. Become the kind of leader that people would follow voluntarily, even if you had no position or title. With this persistent thought in my mind and passion in my heart, I became a part of this internship initiated by Ladley Foundation and Directorate of Education. But today, standing before you all, representing my institution, I am Janvi Gautam from St. Thomas's School. I feel the sense of immense gratitude and attitude of becoming a change that can lead to a better tomorrow. So as my acquaintances have said much about malnutrition, I would just like to conclude the speech. In the end, I would like to say that there are many steps being taken in the direction of eradicating malnutrition from our society. Why still no significant change is coming? Because we always point our fingers towards others and never at ourselves. We always question others, but never ourselves. But there is one point that I would like to put up, that is of individual action. Yes. No matter how many big organizations are working, introducing massive campaigns and schemes, but with that one individual thought and determination to bring a change, one can ignite the fire of passion, and combined with faith, we can truly be revolutionaries. So whenever I talk about faith, there is one quote that I always associate with it. That is, faith sees the invisible, it believes the unbelievable, and receives the impossible. क्योंकि अगर हमें विश्वास है तो हम बदलाव के लिए काम भी करेंगे और बदलाव भी आएगा. क्योंकि अगर हमें विश्वास है तो हम कुपोषण जैसी सामाजिक समस्याओं को भी पूर्ण रूप से अपने देश से खत्म कर पाएंगे और विकास के मार्ग पर चल पाएंगे. धन्यवाद. एक बार जोरदार तालियों से इन बच्चों का हम अभिनंदन करें. इन्होंने जो बातें बताई, तालियां बजती रहें. और मेरा अनुरोध हमारी अतिथि श्रृंखला से, आप लोग मंच पर अपना स्थान लें. आदरणीय शिक्षा निदेशक महोदय, आदरणीय श्री देवेंद्र जी, आदरणीय सिंघारे सर, डॉक्टर रीटा शर्मा मैम, आईबी के डीडी सर श्री कैलाश जी, और यहाँ यही कि बच्चों को खाने में पोषक तत्व मिलें, वे स्वस्थ रहें और उनका चेहरा खिले. संदेश यही, बातें हम किसी भी तरह से कहें, कहना यही चाहते हैं कि जब बच्चों का होगा पौष्टिक खान पान, तभी तो बच्चे ऊंचा करेंगे मेरे भारत का नाम, मेरे भारत का नाम, मेरे भारत का नाम. तो अब इसी क्रम में ये बच्चे हैं हमारे, जिन्हें हमारी आदरणीय जो अतिथि श्रृंखला है, आदरणीय मुख्य अतिथि शिक्षा निदेशक महोदय के करकमलों से हम इन बच्चों का सम्मान कर रहे हैं. तो हमारे साथ हंसराज मॉडल स्कूल पंजाबी बाग की प्रतिनिधि के तौर पर जो छात्रा हैं वो मंच पर आ जाएं. एनके बगरोडिया पब्लिक स्कूल द्वारका, अजय जी प्लीज जल्दी से भेज दीजिए इन बच्चों को. एनके बगरोडिया पब्लिक स्कूल द्वारका, इनके टीचर कोऑर्डिनेटर और इस विद्यालय के प्रिंसिपल भी बच्चे के साथ मंच पर आ जाएं. गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल विवेक विहार फेज टू, हमदर्द पब्लिक स्कूल संगम विहार और सेंट थॉमस गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंदिर मार्ग.
तो अब जोरदार तालियों से आइए इन बच्चों का अभिनंदन करें। सबसे पहला हमारा हंसराज मॉडल स्कूल पंजाबी बाग, ये बच्चे 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 के साथ ये हमारी टीम तालियां बजती रहे आपकी, साथ में विद्यालय के प्रिंसिपल और टीचर कोऑर्डिनेटर्स। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और उपलब्धियों से भरे इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजाते रहिए। इसी क्रम में अगला विद्यालय एन के बागरोडिया पब्लिक स्कूल द्वारका। थोड़ा जल्दी हम लोग करेंगे, तेजी के साथ मंच पर आएंगे और हम सब जोरदार तालियां इन बच्चों के सम्मान में बजाएंगे। एन के बगरोडिया पब्लिक स्कूल द्वारका, ये बच्चे और साथ में इनके प्रिंसिपल और इनके टीचर कोऑर्डिनेटर्स। इसके बाद अगला गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल विवेक विहार फेज टू, जोरदार तालियों से इन बच्चों का भी हम अभिनंदन और स्वागत करें विद्यालय प्रमुख और टीचर कोऑर्डिनेटर। अब सम्मानित हो रहे हैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल विवेक विहार फेज टू के ये बच्चे। इसी क्रम में अगला नाम हमदर्द पब्लिक स्कूल संगम विहार। अब रुक जाइए सर, रुक जाइए। हमदर्द पब्लिक स्कूल संगम विहार इस समय मंच पर आदरणीय शिक्षा निदेशक महोदय के करकमलों से सम्मानित होता हुआ और जोरदार तालियों से आप भी इस सम्मान में अपना अंशदान करें। इसी क्रम में सेंट थॉमस गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंदिर मार्ग, तेजी से मंच पर आए और हम इनके सम्मान में पोषण से भरी तालियां बजाएं। बार बार यहां से यही संदेश, यहां जो टीचर्स बैठे हैं एचओएस बैठे हैं, आप लोग भी कभी कभी घर में इस परेशानी को महसूस करते हैं कि बच्चे ये कहते हैं अगर आप हमसे प्यार करते हैं तो हमें खाने को ये खिलाएं। तो सिर्फ बच्चों को ये समझाएं कि अपने बच्चे को खूब करें प्यार मगर दें घर का बना पौष्टिक आहार, सिर्फ घर का बना पौष्टिक आहार। बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार जोरदार तालियों से सबका आभार, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बच्चे जिस तरह से काम कर रहे हैं, आशा और उम्मीद है दिल्ली शिक्षा विभाग अपने विद्यालयों में कुपोषित बच्चों की संख्या जो 18,12,102 में से 4,08,033 है, अगले वर्ष जब हम इस तरह के किसी कार्यक्रम में मिलें तो हमें कुपोषित बच्चे अपने विद्यालयों में ना मिलें, इस संकल्प के साथ हम लोग आज यहां से जाएंगे। और इसी क्रम में अब मेरा अनुरोध हमारी आदरणीय डायरेक्टर एससीआरटी एंड एडिशनल डायरेक्टर स्कूल ब्रांच मैडम डॉक्टर रीटा शर्मा जी से इस अवसर पर वो आए और हम सबको संबोधित करें। मेरा अनुरोध मैडम से संबोधन के लिए और आप सबसे जोरदार तालियों से आइए मैडम का स्वागत। Respected Director Sir, Respected Founder, Laadli Foundation Trust, हमारे शिंगारे जी जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ IEB की ब्रांच को भी बहुत अच्छे से संभालते हैं, कैलाश चंद जी जो DDIB हैं, अजय हु इज द बैकबोन ऑफ दिस प्रोग्राम, एंड माई बिलीवर्ड डिप्टी डायरेक्टर्स, principals, teachers, special educator teachers, home science teachers, और उन सब से बढ़ के हमारे प्यारे प्यारे बच्चे जिन्होंने यहाँ पर अपने experiences share किए और एक बहुत ही अच्छा musical performance इस program की शुरुआत में दिया। आप सबका स्वागत और धन्यवाद ज्ञापन तो ये नहीं है लेकिन फिर भी मैं निदेशक महोदय का धन्यवाद करना चाहूँगी। वैसे तो वो शिक्षा निदेशालय में डायरेक्टर एजुकेशन है लेकिन
एकेडमिक मामलों के साथ साथ जो हमारा एक शिक्षा का उद्देश्य होता है बच्चे का सर्वांगीण विकास, वो उन्होंने लगता है कि बिना टीचर की डिग्री हासिल किए ही शिक्षा निदेशालय में पता नहीं कहाँ से प्राप्त कर लिया। और इसी क्रम में वो हर महीने कोई ना कोई हम एक ऐसा प्रोग्राम कर रहे होते हैं जो बच्चे के किसी ना किसी एस्पेक्ट को डेवलप करने के लिए एड्रेस कर रहा होता है, चाहे वो प्रोजेक्ट वॉइसेस हो, चाहे वो स्टूडेंट एडवाइजरी बोर्ड हो, चाहे वो ई मैगज़ीन हो। और इसी क्रम में एक बिल्कुल ही अलग हटकर, जो शायद हम लोगों ने पहले कभी नहीं सोचा था, नोटिस शायद किया हो, मैल न्यूट्रिशन हमारे सरकारी स्कूल के बच्चों में और किस प्रकार से उसको एड्रेस किया जा सकता है। सो कमिंग फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, दिस इज़ अ वेरी अनलाइकली एस्पेक्ट विच इज़ ही हैज़ टच्ड, बट आई एम ग्लैड कि अभी हम लोगों का जो कमान है शिक्षा विभाग की, वो एक ऐसे पर्सन के हाथ में है जो इस प्रकार के बैरियर्स से हट के शिक्षा को उसके संपूर्ण विकास के साथ देखते हैं कि बच्चे में कहाँ पर क्या कमी है, उसे किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। आई थिंक ही इज़ बिकम ए ट्रू एजुकेशनिस्ट एंड द क्रेडिट गोज़ टू एजुकेशन डिपार्टमेंट। अबाउट दिस प्रोग्राम, हम लोग कुछ साल पहले जब एक पॉल्यूशन का ड्राइव चला था तो उसमें एक आया था से नो टू क्रैकर्स, तब उसका एक बहुत प्रोफाउंड इफेक्ट देखने को मिला था कि स्कूल्स में कॉम्पिटिशन्स कराए गए, बच्चों में अवेयरनेस ड्राइव की गई, सेंसिटाइजेशन किया गया कि किस तरह से वो क्रैकर्स को ना इस्तेमाल करें तो पॉल्यूशन को कम किया जा सकता है, पेड़ पौधे लगाएं तो पॉल्यूशन को कम किया जा सकता है। और सब्सिक्वेंटली हमने देखा कि अपने घरों में बच्चों ने ना खुद स्वयं के लिए बल्कि अपने पेरेंट्स, अपने दोस्तों और अपने पास पड़ोस में भी दिवाली के दिनों में या दूसरे अवसरों पर जो पटाखे छोड़े जाते थे उसमें अपने पेरेंट्स को बोलना शुरू कर दिया कि हम लोग इस साल इस पर इतना खर्चा नहीं करेंगे, जहाँ पहले ये होड होती थी कि 1000 रुपये के पटाखे जलाए, इतने रुपये के पटाखे जलाए। और प्लांटेशन ड्राइव इस हद तक सक्सेसफुल हुई कि अब लोग अपने बच्चों के बर्थडे पर प्लांटेशन करने लगे हैं। सो आई थिंक इट्स ए वेरी वैलिड अप्रोच कि बच्चों को सेंसिटाइज किया जाए और बच्चों को इस प्रोग्राम में शामिल किया जाए, जो लाडली फाउंडेशन ने किया वॉलंटियर्स के थ्रू, और बच्चों ने जिस तरह से सक्सेसफुली इस प्रोग्राम को अपने स्कूल्स में चलाया है वो आप सबने सुना। उसका एक बेनिफिट बच्चों और टीचर्स को इस बात के लिए भी है कि जो सर्टिफिकेट उन्हें मिलेगा वो ट्वेल्थ के बाद वेर एवर दे अप्लाई विच एवर कोर्स दे वॉन्ट टू परस्यू उसमें उनको हेल्प करेगा, टीचर्स को भी हेल्प करेगा। बट उन सबसे बढ़कर जो इस प्रोग्राम का प्राइमरी उद्देश्य था वो मैं समझती हूँ कि सक्सेस हो गया है, सक्सेसफुल। और जो संख्या अभी थोड़ी देर पहले शिंगारा जी ने बताया कि 4 लाख के करीब बच्चे ऐसे हैं जो रेड लाइन पर हैं मैल न्यूट्रिशन के, वो हम इस साल के ख़त्म होने होने तक उसको भी मिटा देंगे। सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहा कि बच्चों और पेरेंट्स में इस बात के लिए जागृति आई कि मैल न्यूट्रिशन को दूर करने के लिए आपको कोई महंगी मल्टी विटामिन की गोलियाँ नहीं लेनी है। ज़रूरी नहीं कि आप कोई बहुत महंगे या एग्जॉटिक फ्रूट्स खाएं। सर ने व्हाट्सएप पे कुछ इनिशिएटिव शेयर किए जो हमारे होम साइंस के टीचर्स ने, हमारे स्कूल्स में स्पेशल एजुकेटर टीचर्स ने और बच्चों के ग्रुप्स ने, प्रिंसिपल्स ने मिलके किए थे, जिसमें एक स्कूल का उन्होंने दिखाया कि एक बहुत कलरफुल सा उन्होंने चार्ट बना रखा था पूरे हफ्ते का कि मंडे को बॉयल्ड काला चना, ट्यूसडे को बनाना, वेडनेसडे को ऐसे ही कोई एक फ्रूट चाट, थर्सडे को कोई इसी तरह का वेजिटेबल जैसे खीरा या तरबूज या ककड़ी, इस तरह की कोई चीज़ का सैलड। तो उससे एक बात तो समझ में आ गई कि अगर बच्चों को कहा जाए और टीचर्स को सेंसिटाइज किया जाए तो कोई भी प्रोग्राम जिस तरह से हम उसको, जिस दिशा में हम उसको लेके जाना चाहते हैं वो ज़रूर सक्सेसफुल होता है। जिस प्रकार के विद्यार्थी हमारे स्कूल्स में आते हैं उनके पेरेंट्स के लिए शायद ये संभव ना हो सके कि वो कोई एक आयरन का टॉनिक या कोई एक विटामिन सी का सिरप
या इस तरह की चीज़ें अपने बच्चे को दिलाएं कि उनमें मेल न्यूट्रिशन जो है वो एड्रेस किया जा सके अच्छे से। तो हमारे टीचर्स ने, हमारे प्रिंसिपल्स ने मिलकर जो इस तरह की पहल की, और साथ ही अभी एक मेगा कैंप जो 6 मई को लगने वाला है, जिसमें पेरेंट्स को अवेयर किया जाएगा कि किस प्रकार से सीजनल एंड जो सस्ते फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उनका सेवन करने से मैल न्यूट्रिशन को बहुत हद तक रोका जा सकता है। एक बहुत अच्छी चीज़ इसमें ऐड की गई है, मिलेट्स। जो बच्चे और जो परिवार ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, ग्रामीण परिवेश से आते हैं, उन्हें तो बहुत अच्छे से मालूम होगा कि जब सर्दियां आती हैं तो बाजरा, गर्मियां आती हैं तो जौ, चना, ये सब आटे में मिलाया जाता है, सोयाबीन, ये सब चीज़ें मिक्स की जाती हैं। तो ये छोटे छोटे इनिशिएटिव हैं जो बच्चों को हमारे पास एक जो ये सिर्फ एक गवर्नमेंट स्कूल्स में ही नहीं, वो तो सर ने गवर्नमेंट स्कूल्स में स्टडी करवाई तो हमें पता चल गया, लेकिन अगर हम अपने परिवार में भी देखेंगे, अपने आसपास में भी देखेंगे, तो पता चलेगा कि वो बहुत सारे बच्चे मैल न्यूट्रिशन के शिकार हैं जो देखने में तंदुरुस्त लग रहे हैं। दैट्स बिकॉज ऑफ द मलाइस ऑफ फास्ट फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा, चिप्स, कुरकुरे, ये बहुत इजीली अवेलेबल हैं और पेरेंट्स के लिए भी एक बहुत अच्छा हथियार बन गए हैं। बच्चों से कोई बात मनवानी है या बच्चों को किसी तरह से शांत करना है या कोई शाबाशी देनी है, उनको फटाफट हमने एक कुरकुरे का पैकेट दे दिया। ये चीज़ें शुरू में नोटिस भी की गई थी स्कूल्स में, जब डी सर ने विज़िट किया कि बच्चे स्नैक ब्रेक में एक चिप्स का पैकेट ले आते हैं, कुरकुरे का पैकेट ले आते हैं, बिस्किट का पैकेट ले आते हैं, तो दैट इज़ नॉट सर्विंग द पर्पस। तो ये जो हमारा कंटिन्यूड प्रयास रहा, इसने अपना रंग दिखाया, और साथ ही मैं समझती हूँ कि ये बच्चे सिर्फ अपना भलाई नहीं कर रहे हैं इस मिनी स्नैक ब्रेक में, हेल्दी स्नैक ब्रेक में पार्ट लेके, अपने परिवार के लोगों को भी जागृत कर रहे हैं। और जो हम विकसित देशों में, जैसे USA में एक बहुत ही बीमारी के तौर पर उभरा है कि लोगों में वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक और फास्ट फूड के प्रति एडिक्शन हो गया है, एंड दैट हैज़ बिकम चीपर एज़ कम्पेयर टू हेल्दी फूड। वहाँ पर आप एक सैलड की प्लेट खरीदेंगे तो वो आपको महंगी मिलेगी, आप एक कोक की बोतल खरीदेंगे तो वो आपको सस्ती मिलेगी। तो ये सिचुएशन यहाँ पर कैसे अवॉइड की जा सकती है और किस प्रकार से हम हेल्दी फूड की तरफ जा सकते हैं, जो कि हमारी भारतीय परंपरा भी रही है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छी पहल है हमारे शिक्षा विभाग की, उसमें आप लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तो आप सब लोगों को धन्यवाद। कोरोना के बाद मुझे लगता है इसकी अहमियत और भी बढ़ गई है। आप लोग हमेशा देखते हैं कि कोरोना की वजह से बहुत सारी बीमारियां जो थी वो अब लोगों में बहुत देर से ठीक हो रही हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक सिंपल फीवर और कफ भी है तो इट्स टेकिंग ए लॉन्गर टाइम। तो ये जो हेल्दी ब्रेक्स हैं या हेल्दी स्नैक्स हम बच्चों में आदत डेवलप कर रहे हैं, ये उनकी इम्यूनिटी को भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बढ़ाने में सहायक होंगे। आप लोगों के पास वैसे तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, बट एक पर्सनल रिक्वेस्ट मेरी सभी HOS से है यहाँ पर जो मौजूद हैं, और सभी टीचर्स से, कि हफ्ते में एक दिन रोज़ करना शायद आपके लिए पॉसिबल ना हो, लेकिन हफ्ते में सिर्फ एक दिन जिस भी स्कूल में आप प्रिंसिपल हैं, HOS हैं, उस दिन आप किसी भी एक क्लास में, जब ये मिनी स्नैक ब्रेक हो, तो आप भी अपने घर से कोई सैलड या कोई ऐसा हेल्दी स्नैक लेकर आएं और किसी भी कक्षा में, किसी भी एक कक्षा में, चाहे तो एक चार्ट बना लीजिए, रोस्टर बना लीजिए, बच्चों के साथ बैठ के शेयर करें। बिलीव मी, इट विल बी ए मेमोरेबल एक्सपीरियंस फॉर द स्टूडेंट्स। अपनी टीचर के साथ तो वो रोज़ ही बैठते हैं, रोज़ ही हो सकता है शेयर करते हों, लेकिन बड़ी मैडम के साथ बैठने का मौका या बड़े सर के साथ बैठने का मौका उनको बहुत कम मिलता है। सो मे आई काउंट ऑन यू। हफ्ते का सिर्फ एक दिन दे दीजिएगा किसी भी कक्षा में। आपके पास बहुत वर्कलोड रहता है, लेकिन मैं मानती हूँ कि हमारे देश के भविष्य में
थोड़ा सा ये योगदान अगर आप और कर देंगे तो उन बच्चों की जो याददाश्त है. गॉट इट. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. सो इट सीम्स वन ऑफ आवर कलीग इज ऑलरेडी डूइंग इट. सो माई थैंक्स टू हर. और उम्मीद करती हूँ अगली बार जब हम मिलेंगे तो शायद सभी अपना एक्सपीरियंस यहाँ शेयर करेंगे, सिर्फ वो बच्चे ही नहीं शेयर करेंगे. और किसी दिन हमें भी इनवाइट कीजिएगा, हम भी अपना स्नैक लेकर आते हैं आपके साथ स्नैक ब्रेक में शेयर करने के लिए. थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका. और निश्चित तौर पर हम लोग आपके बताए हुए सभी सुझावों को अपने विद्यालयों में ज़रूर उन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे. अब एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं. मैं कुछ यहाँ से शब्द बोलूँगा और वो शब्द अगर आपको माल न्यूट्रिशन के हिसाब से बच्चों को खाने के आइटम्स हैं वो अगर आपको लगता है वो ठीक हैं खाने को देने चाहिए तो आप हाथ वेव करेंगे. एक बार वेव कर दीजिए सारे लोग, ऐसे वेव करेंगे. अगर कोई मैं ऐसा फूड आइटम बोलता हूँ जो इस कार्यक्रम के हिसाब से और बच्चों के स्वास्थ्य के हिसाब से ठीक नहीं है तो आप लोग हाथ ऊपर नहीं करेंगे, वेव नहीं करेंगे, तब आप बैठे रहेंगे. तैयार हैं? हाँ के लिए भी आप कर सकते हैं, दोनों हाथ घुमा दीजिए एक बार, दोनों हाथों से एक्सरसाइज भी हो जाएगी. चलिए तो अब शुरू करते हैं. समोसा, सेव, मोमोज, चौमिन उधर से कुछ, पिज्जा, संतरा, बर्गर, केला. क्या बात है, हमारे सभी साथियों को पता है, बस अब इस आदत को बच्चों तक लेकर जाना है. तो अब चूंकि इन सभी सुझावों को लेकर हमेशा आदरणीय शिक्षा निदेशक महोदय हर समय बच्चों के लिए तल्लीन रहते हैं, काम करना चाहते हैं और वो सिर्फ यही कहते हैं कि स्वस्थ नागरिक ही किसी भी देश के लिए एक सबसे बड़ी संपदा है. तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार जोरदार तालियों से आइए स्वागत करें आदरणीय शिक्षा निदेशक महोदय का. जोरदार तालियां बजती रहें आपके उन सभी प्रयासों के लिए जो आप बच्चों के लिए कर रहे हैं. अब सर से अनुरोध संबोधन का. मंच पर उपस्थित लाडली फाउंडेशन के सीईओ देवेंद्र जी, रामचंद सिंगारे जी, रीता शर्मा जी, कैलाश चंद जी, अजय जी, सभी डिप्टी डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल्स, नोडल टीचर्स और प्यारे बच्चों, इस प्रोग्राम की जो शुरुआत हुई उसका मैं आप सबको एक मकसद और एक बैकग्राउंड देना चाहूँगा. आई विल जस्ट टेक 5-10 मिनट्स. मैं सभी से बोलूँगा वो सेटल डाउन हो जाएं प्लीज़. जब मैं स्कूलों के अंदर जाके हम बच्चों का मिशन बुनियाद का असेसमेंट करते थे या बच्चों से जाके हम पूछते थे बेसिक फाउंडेशनल लर्निंग और न्यूमरेसी के सवाल, स्पेशली इन क्लास 6, 7, 8, तो जो बच्चे मैं ऑब्जर्व कर रहा था, जो बच्चे बिल्कुल ही पीछे थे, लेवल 1 पे थे या आंसर नहीं कर पा रहे थे, वही बच्चे मुझे सबसे ज़्यादा पतले और छोटे दिख रहे थे. तो कहीं ना कहीं उस समय मेरे को भी दिमाग में ही आया कि ऐसा क्यों है कि ये बच्चों का हेल्थ भी ख़राब है और ये स्लो लर्नर भी हैं. फिर हम कई स्कूलों के जब हम कल्चरल प्रोग्राम्स देखते थे या कुछ भी देखते थे तो दिखता था कि हमारे बच्चे बहुत ही पतले और छोटे हैं. प्राइवेट स्कूल्स के अगर आप कल्चरल प्रोग्राम्स देखने जाओ तो यू विल फाइंड कि लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर वेरी हेल्दी. तो कहीं ना कहीं ये समझ में आया कि हमारे बच्चों को एक न्यूट्रिशनल डाइट ठीक नहीं मिल रही है एंड दैट इज़ बिकमिंग अ मेजर रीज़न फॉर यू नो देयर पुअर कॉग्निटिव स्किल्स ऑल्सो. तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हेल्थ और एडुकेशन को लिंक किया जाए. आप किसी भी एक डेवलप्ड कंट्री में देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि एजुकेशन के मकसद, एजुकेशन के थ्रू ही बच्चों को हेल्थ की बेसिक जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की बेसिक्स होते हैं वो उनको स्कूल में ही दिए जाते हैं और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ऑन देयर न्यूट्रिशन. तो दैट इज़ वाई दिस प्रोग्राम हैज़ बीन स्टार्टेड इन DOE कि बच्चों को सबसे पहले न्यूट्रिशन की अहमियत के बारे में पता चले और बच्चों को ही नहीं उनके पेरेंट्स को भी न्यूट्रिशन की अहमियत के बारे में पता चले. स्नैक ब्रेक जो हमने इंट्रोड्यूस किया है उसका मकसद यही है कि पेरेंट्स को पता चले कि वो हेल्दी डाइट होती क्या है. और वो हेल्दी डाइट दिन में अभी एक बार बच्चा ला रहा है, उसके बाद दोपहर को वो घर जा रहा है और रात को भी घर पे है
तो जब वो एक बार उसके माता पिता को पता चलेगा कि ये डाइट हेल्दी डाइट है, तो वो घर जाकर भी वही चीज़ फॉलो करेगा और माता पिता भी फॉलो करेंगे। हमारा मकसद ये है। इस मकसद के लिए हमारे होम साइंस टीचर्स, नोडल टीचर्स, प्रिंसिपल्स, इनका बहुत बड़ा एक रोल होने वाला है, बिकॉज दे हैव टू टेल द स्टूडेंट्स वॉट इज अ हेल्दी डाइट। अ हेल्दी डाइट जस्ट नॉट इंक्लूड वेजिटेबल्स एंड यू नो फ्रूट्स। एक हेल्दी डाइट में सिर्फ फ्रूट्स वेजिटेबल्स नहीं है, बाकी भी जो जो चीज़ें हेल्दी डाइट में आती हैं, जो लो कॉस्ट हेल्दी डाइट्स में आती हैं, जैसे गुड़ हो गया, चना हो गया, माकी मिलेट्स हो गए, ये सारी चीज़ें भी बच्चों को बताने की ज़रूरत है, पेरेंट्स को बताने की ज़रूरत है। स्प्राउट्स का क्या इस्तेमाल होता है, स्प्राउट्स का क्या यूसेज है, ये भी बच्चों को और उनके पेरेंट्स को बताने की ज़रूरत है। तो इसीलिए हम चाहेंगे कि जो डाइट प्लान बच्चों का बनाया गया है वो हर HOS और होम साइंस टीचर रिव्यू करे और वो अच्छे से स्कूल के अंदर फॉलो कर सके। पेरेंट्स को उसके लिए जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। तो 6 तारीख को जो पेरेंटल काउंसलिंग है, मैं सभी HOS से चाहूँगा कि वो आज कल परसों बैठ के रिव्यू करें कि कौन कौन से बच्चे हैं जो रेड जोन में आते हैं। आपके लॉगिन IDs पर वो डिटेल्स अवेलेबल हैं। हर HOS के पास रफली 400 के करीब बच्चे होंगे जो माल न्यूट्रिशन से ग्रसित हैं। अगर वो उनका ढंग से रिव्यू कर लें और उनके पेरेंट्स को ढंग से ब्रीफ करें, तो हमें पूरी उम्मीद है कि अगले 1 से 2 साल के अंदर इस 4 लाख को हम 0 ला सकते हैं। एंड दिस विल बी द बिगेस्ट इंटरवेंशन दैट वी विल बी डूइंग इन द लाइव्स ऑफ आर स्टूडेंट्स एंड देयर फैमिलीज। क्योंकि एक बार बच्चों को हेल्दी डाइट के बारे में पता चल जाए, खाने की आदत पड़ जाए, तो वो लाइफ लॉन्ग उनकी लर्निंग एबिलिटीज़ को इफ़ेक्ट करता है। तो इसलिए ये प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों के लाइव्स में। तो मैं सभी प्रिंसिपल से ये आशा करता हूँ और नोडल टीचर से आशा करता हूँ कि इसको बहुत सीरियसली वो लोग मॉनिटर करेंगे और वो इंश्योर करेंगे कि पेरेंट्स को प्रॉपरली काउंसिल किया जाए और पेरेंट्स बच्चों को जब भेजें तो वो स्नैक ब्रेक के अंदर जो हेल्दी डाइट उनके होम साइंस या नोडल टीचर ने बनाई है उसको फॉलो करें और दोपहर और शाम को भी बच्चों को उसी तरीके से अच्छी डाइट दें। ज़रूरी नहीं है कि पैसा बहुत ज़्यादा खर्चा किया जाए इस चीज़ पे, ये चीज़ बहुत सस्ते में हो सकती है। और इसीलिए हमारे होम साइंस टीचर्स का रोल इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वो प्रॉपरली अपने एक डाइट प्लान ऐसा बनाए कि लो कॉस्ट डाइट प्लान हो लेकिन पेरेंट्स को पता हो। पेरेंट्स आज की डेट में 5 रुपये 10 रुपये कुरकुरे और चिप्स पे खर्च कर देते हैं बच्चों पे, उसकी बजाय अगर वो गुड़ चना ही बच्चों को खिला लें तो वो उनकी डाइट अच्छी कर सकते हैं। तो ये बात हर परिवार तक पहुंचाने की बहुत ज़रूरत है। हम DOE के अंदर BMI तो हर 6 महीने के अंदर मेजर करेंगे ही, अब हम बच्चों का हीमोग्लोबिन भी मेजर करने जाएंगे। वी आर नाउ टाइंग अप विथ फ्यू लैब्स एंड हॉस्पिटल्स कि किस तरीके से 4 लाख बच्चों का हम हीमोग्लोबिन भी मेजर करें, सो दैट जो अनीमिया के इश्यूज हैं, काफ़ी हमारे बच्चों को अनीमिया के इश्यूज होते हैं, उसको भी हम मेजर कर सकें और उसमें भी इंटरवेंशन कर सकें। जैसे मैं बताना चाहूँगा, अगर बीटरूट, चुकंदर अगर हमारे बच्चे हफ्ते में 3 दिन खाएं तो वो अनीमिया की प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसको ध्यान दें। सोशल इंटर्नशिप का जो प्रोग्राम लाडली फाउंडेशन रन कर रही है, उसका मकसद ये है कि हम बच्चों को ही कैसे इन्वॉल्व करें टू मॉनिटर। पहली बात, बच्चों को फ़ायदा क्या हो रहा है कि दे आर लर्निंग अ लाइफ स्किल, दे आर लर्निंग हाउ टू अबाउट द इश्यूज ऑफ माल न्यूट्रिशन, दे आर मेकिंग प्रोजेक्ट्स ऑन दिस एंड दे आर एग्जीक्यूटिंग इट इन देयर नियर बाय स्कूल्स, स्लम्स एंड अदर एरियाज। नंबर 2, बाकी समाज के अंदर भी एक तरीके से अवेयरनेस फैल रही है ऑन माल न्यूट्रिशन और बच्चों को सर्टिफिकेट्स भी मिल रहे हैं, बच्चों को रिकग्निशन भी मिल रही है। तो इट्स अ विन विन प्रोग्राम। समर्स के अंदर भी, जैसा कि इन्होंने बताया, हम एक सर्कुलर निकालेंगे कि 8वीं से 12वीं के जितने भी हमारे बच्चे हैं वो ज़रूर इसके ऊपर अपना एक केस स्टडी बनाएं और अपने नियर बाय एरिया के अंदर जाके उसको ज़रूर पेरेंट्स तक पहुँचाएँ, सो दैट समर्स के दौरान भी हमारे बच्चों को
इस प्रोग्राम के बारे में, माल न्यूट्रिशन से कैसे लड़ना है उसके बारे में पता रहे। पेरेंट्स को जब काउंसिल कर दिया जाएगा तो ज़रूर वो इस चीज़ पे इंश्योर करेंगे कि अपने बच्चों को हेल्दी डाइट दें, ताकि हम आने वाले साल के अंदर माल न्यूट्रिशन को पूरी तरीके से DOE से ख़त्म कर सकें। तो मैं पूरा भरोसा है कि हमारी DOE की टीम इस पर अच्छे से लग के काम करेगी और हमें इसके बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और निश्चित तौर पर हमें सिर्फ माता पिता तक वो बात पहुंचानी है कि क्या खिलाना है, कैसे खिलाना है। और अगर हम ये कर पाए तो निश्चित तौर पर एक समय वो होगा जब हमारे विद्यालयों में स्वस्थ बच्चे होंगे और कुपोषण शब्द सिर्फ किताबों की बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार सर के लिए फिर हम जोरदार तालियां बजाकर उनका आभार और अभिनंदन करें। और अब वोट ऑफ थैंक्स के लिए मेरा अनुरोध आदरणीय DD सर श्री कैलाश सर से, वो आए और हम सबके बीच अपना धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। हमारी जो जीव है ये टेस्ट देखती है और कई बार हम टेस्ट में वहाँ पहुँच जाते हैं जब हमको दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। वो बहुत देर बाद समझ में आती है। शुरू में हमको पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, तली चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, और बाद में जाके फिर पता चलता है कि स्प्राउट ज़्यादा अच्छा है, भुना चना ज़्यादा अच्छा है। मैंने सर नवोदय विद्यालय जो रेजिडेंशियल स्कूल हैं 29 साल काम किया है, और उसमें जो ब्रेकफास्ट हम दिया करते थे उसमें जिस दिन दलिया होता था उस दिन बच्चे ब्रेकफास्ट बहुत कम किया करते थे, जिस दिन पराठे या पूड़ी होती थी तो बहुत ज़्यादा उस दिन कम पड़ जाता था, और अक्सर कई बार असेंबली में भी इन्फेंट होने के चांस रहते थे। सर ये जो प्रोग्राम आज शुरू किया गया है, मैं अपने डायरेक्टर साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उनकी जो ये सोच है बच्चों को कुपोषण से उभारने की, ये एक अनोखी पहल है, और आपने हमें मोटिवेट किया इनिशिएटिव लेने के लिए, और आपने इसके लिए पूरा प्लान चौकआउट किया। मैं आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ जॉइंट डायरेक्टर IEB सर का कि हम इनके साथ फाइलों को लेकर या व्हाट्सएप पे ही कई बार हम अप्रूवल ले लेते हैं और कोई भी सर्कुलर इशू कर देते हैं, तो विद इन टाइम हम किसी भी काम को करने के लिए हमारे जॉइंट डायरेक्टर साहब तत्पर रहते हैं। तो मैं सर का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ डायरेक्टर SCRT मैम का कि आपने समय निकाला और आज इस प्रोग्राम में अपने शब्दों से सबको ही अनुग्रहित किया है। मैं धन्यवाद करता हूँ लाडली फाउंडेशन के CEO साहब देवेंद्र गुप्ता जी का कि उनकी कोलैबोरेशन से ये जो प्रोग्राम शुरू किया गया है ये बहुत ही एक अच्छी पहल है, और उनका जो ये सोशल इंटर्नशिप का प्रोग्राम है ये बहुत ही एक आगे आने वाले समय में हमारे डायरेक्टरेट के बच्चों को एक नई दिशा देगा उनकी हेल्थ के बारे में और उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे सभी DD साथीज का, DD डिस्ट्रिक्ट, DD जोन्स, कि जिन्होंने आज यहाँ पधार कर और सभी HUS को भी अपने साथ वो लेकर आए हैं, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी HUS का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो सभी अपने अपने स्कूल से आज यहाँ पर पधारे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि सभी HUS अपने नोडल टीचर्स के साथ मिलकर जो आने वाला 6 तारीख का प्रोग्राम है Mega PTM, जो पेरेंट्स की काउंसलिंग सेशन है, उसको सफल बनाएंगे, ऐसी मेरी आशा है। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे सभी नोडल इंचार्जेस, नोडल टीचर्स का, SET टीचर्स का, मीडिया साथियों का, स्पेशली जो CTB ब्रांच है उन्होंने बहुत ही कम समय में इस पूरे प्रोग्राम के जितना लॉजिस्टिक है उसको अरेंज किया है, उनकी पूरी टीम का मैं आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ CTB ने जो भी हमारे DDs को ड्यूटीज लगाई थी, चाहे वो वेलकम के लिए हो, चाहे वो कल्चरल वेलकम सॉन्ग के लिए हो, चाहे वो दीप प्रज्वलन के लिए हो, उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ NCC के बच्चों का, बैंड के बच्चों का, जिन्होंने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति की और वेलकम के लिए जो उनका जो प्रोग्राम था बहुत ही अच्छा था। इसके अलावा मैं उन सभी
साथियों का धन्यवाद करता हूँ, सभी बच्चों का धन्यवाद करता हूँ जो शायद कहीं मैं भूल गया हूँ। एक बार पुनः मैं डायरेक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी, और स्पेशली लाडली फाउंडेशन का धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और संदेश यही कि फल सब्जी अनाज का सेवन बढ़ाएं, फास्ट फूड से बचें और शरीर को स्वस्थ बनाएं। और अब आप सब से मेरा अनुरोध, राष्ट्रगान के सम्मान के लिए आप सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी से अनुरोध, पीछे स्टैंड्स में भी जो लोग बैठे हैं, राष्ट्रगान के लिए आप सब अब राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े हो जाएं। और अब राष्ट्रगान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंग, हिमाचल यमुना गंगा उज्ज्वल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें। आप सब बहुत ही आराम से, ध्यान से अब सभागार से बाहर जाएंगे। बहुत बहुत आभार आप सबका। और यही, बाहर आपके रजिस्ट्रेशन काउंटर पर आपके अल्पाहार की व्यवस्था की गई है, अपना अल्पाहार बॉक्स अवश्य लेकर जाइएगा। बच्चों को पौष्टिक आहार देना है ज़रूरी, बाजार की हानिकारक चीज़ों से बनाएं दूरी। इस संदेश के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। फिर मिलेंगे, नमस्कार।